बहुत सस्ते में मेरा काम हो गया, बहुत सस्ते में। अभी टूरिंग के लिए बहुत ही बढ़िया। कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी, ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली, करे जो झक जोरी क्यों ना। सो हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। दिस इज एके और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखो हम कौन सी बाइक लेके जा रहे हैं। सो आज एक्सप्रेस पे हम लोग जा रहे हैं। सो काफी क्रेजी व्लॉग होने वाला है और बहुत लेट हो चुका है, ऑलमोस्ट एक घंटा लेट हो चुका है। सो अभी निकलते हैं फटफट। कहाँ पे जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, सब मैं आपको मोटो व्लॉग सेटअप पे बताता हूँ। सो लेट्स गो। सो गाइस, आज के लिए अपने पास एक्सप्रेस है और साथ में निमेश है। सो बता दें हम लोग किधर जा रहे हैं। आज बहुत ही बढ़िया काम करने जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया काम, गणपति बप्पा मोरिया। सो गाइस, सीन ऐसा हुआ कि हम लोग को घर से 9 बजे तक निकलना था, अभी 10 बज रहे, मतलब एक घंटा लेट हो गया। एक्चुअली मैं उठा ही 9 बजे, सो इसके वजह से बहुत लेट हो गया। और हम लोग अभी जा रहे हैं अंधेरी परफेक्ट सीट के पास, जो कि आज अपने बाइक में एक कड़क सा मॉडिफिकेशन होने जा रहा है और वो आपको होपफुली अच्छा लगेगा। सो यहाँ से भी रहेगा एक 50 किलोमीटर। इसमें फ्यूल भी कम है, सो पेट्रोल पम्प में जाना पड़ेगा, फ्यूल भरना पड़ेगा। वैसे ही ज़्यादा कि ट्रैफिक में गाड़ी चलाना मतलब एक बड़ा टास्क होता है, इतना ट्रैफिक रहता है। और हम लोग ने 10-15 मिनट में कवर करके हम लोग हाईवे में पहुंच गए। अभी 10:30 बज रहे और यहाँ से लगभग 40-45 किलोमीटर होगा। ऑलमोस्ट टाके भी अपना फुल हो चुका है, 1000 रुपये का पेट्रोल भरा था। मुंबई में अभी फिलहाल 120 रुपीस पेट्रोल का रेट चल रहा है। तो मेन बात कि हम लोग जा रहे हैं कहाँ पर और किस काम के लिए। सो हम लोग जा रहे हैं बाइक का मॉडिफिकेशन यानी सीट का मॉडिफिकेशन करने। जो अभी एक्सपल का सीट है उस पर आप टूर करने के लिए बहुत तकलीफ होती है। हम लोग सीट को अभी टूरिंग सीट बनाएंगे, क्योंकि एक्सपल का जो सीट आता है वो ऑफ रोडिंग का सीट रहता है। सो उसके ऊपर आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते ज़्यादा, टूरिंग नहीं कर सकते, बैक पेन का इशू बहुत आता है और कंफर्ट तो कुछ भी नहीं है उसमें। ये बाइक भी अपने साथ उदयपुर आने वाला है, इसकी वजह से इसके ऊपर टूरिंग सीट अभी बनेगा। टूरिंग सीट बनने के बाद इसको किधर भी अपन लेके जा सकते हैं। और गाइस, मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर ली, ग्लव्स घर पर भूल कर। धूप इतनी तेज़ है ना, लिटरली अभी हाथ पे चटके लग रहे और हाथ भी देखो अभी टैन होते जाएगा। कितना पॉल्यूशन होके रखा है, पूरा मिट्टी मिट्टी है पूरा एयर में। ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है। सो अभी अपन जा रहे हैं जिधर सीट चेंज कर रहे हैं, वहाँ पे ऑलरेडी मैंने कॉल रात को कर रखा था, उनको सब इंक्वायरी ली मतलब कितना खर्चा होगा और कितना टाइम जाएगा। सो उन लोग ने बताया कि लगभग 1 से 1.5 घंटा जाएगा। लेट्स सी अभी कितना टाइम जाता है, मुझे भी कुछ पता नहीं। जाने के बाद ऑलरेडी किसका काम चल रहा है तो हमने को वेटिंग भी करना होगा। अभी देखते हैं, जितना जल्दी हो जाएगा उतना अच्छा अपने को, उतना जल्दी घर आए, क्योंकि आज हम लोग इवनिंग को जा रहे हैं फार्म हाउस पे। सो काफ़ी क्रेजी वाला ब्लॉग रहेगा वो भी। जो चैनल पर नया है तो हिट द सब्सक्राइब बटन, कुछ भी करो, तोड़ो फोड़ो कुछ भी करो, बट सब्सक्राइब होना चाहिए भाई लोग। सो सब्सक्राइब करना। सो गाइस, फाइनली मैं शॉप के इधर पहुंच गया और शॉप ये परफेक्ट सीट करके। सो शॉप ऐसा देखा जाए तो बहुत छोटा है, बट काम यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया होता है। ऑलरेडी देखो ना, यहाँ पे एक एक्सपल्स आ रखी है और यहाँ पे हमारे एक्सपल्स है। यहाँ पे इन लोग का मेन शॉप है, जो कि यहाँ पे सब एक्सेसरीज वगैरह इन लोग की मिलते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी एक एक्सपल्स आ रखा है, सो दोनों का काम साथ में चल रहा है। अभी काम होते होते 1-1.5 घंटा जाएगा, तो तब तक देखते हैं कैसा इन लोग का प्रोसीजर बनाने का, वो सब देख लेते हैं। ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी, ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली, करे जो झक जोरी क्यों ना। सूरज की किरणें आने दे मेरे नींद, अब चल जाने दे जो भी बीत, ओ जग ताने पे ताने दे उनकी सुने ना। देखो सावन आए रे मन हसाए मितवा, और सारी उम्र ना गवा दे मितवा, क्यों सोचे बादल खरे हैं जबकि वो तो रुके हैं, क्योंकि बारिश तो आनी है ना। मेरे रांझना बता दे ना, बता दे रांझना, बता दे रांझना, बता दे रांझना।
यारी यारी अब तो आ रही बारात, अब ये आए नाचे गाए देखो राग है मल्हार, ओ नित नित लाके रंग सवारी है जहां या ना, अरे बोलो ना, सूरज की किरणें आने दे मेरे मित, अब चल जाने दे जो भी बीत, ओ जगे ताने पे ताने दे उनकी सुने ना, देखो सावन आए रे मन हंसाए मितवा, और सारी उम्र ना गवा दे मितवा, क्यों सोचे बादल खरे हैं जबकि वो तो रुके हैं, क्योंकि बारिश तो आनी है ना। मेरे रांझना बता दे बता दे ना, फाइनली गाइज हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। अभी टाइम हो रहा है 1:30 और हमारा लगभग पूरा काम हो गया। एक्चुअली सीट भी काफ़ी मस्त बना है। यहाँ से मेरा घर लगभग 50 किलोमीटर अराउंड है, सो मुझे 50 किलोमीटर का एक्सपीरियंस आएगा और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो एक्सपीरियंस। वहाँ पे मैं वीडियो बनाने वाला था कि क्या क्या काम किया, बट वहाँ पे बहुत ही रश हो गया था, सो मैं वहाँ से निकला। अभी आगे जाके अपन साइड में किधर तो रुकते हैं और आपको मैं बता तो एग्जैक्टली खर्चा मुझे कितना आया। मैंने काम इस पर दो चीज़ की, एक्चुअली एक ही चीज़ करने हम लोग निकले थे सीट का, बट सीट का काम हो गया, टूरिंग सीट बना ली है और उसके साथ हम लोग ने टॉप रैक प्लेट भी जो पीछे आता है वो लगवा लिया है। सो बहुत सस्ते में मेरा काम हो गया, बहुत सस्ते में और अच्छा ऐसा काम हो गया। Cash money like 504, ball like AD24, no sleep, need mo. Pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bucks. Pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bucks. Pick it up. I'm a real one, my day one. Try speak up, can't say none. Try dig dirt, there ain't none. I make the money that save. तो फाइनली गाइस मैं एरिया में पहुंच चुका हूं और अभी मैं साइड में रुका हूं। मैंने जो जो मॉडिफिकेशन किए बाइक में वो आपको बता देता हूं। एक तो सीट है और सेकंड मैंने टॉप रैक भिजाया, सो उसके साथ मैं आपको प्राइस भी बता देता हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सीट देख लेना, ये है सीट, एक्चुअली देखो ये बकेट सीट है और पीछे का भी थोड़ा स्लोप में, सो पिलियन के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल और राइडर के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल है। तो इसका टोटल कॉस्टिंग गिरा मुझे 3,800 का सीट गिरा और 800 का मुझे प्लेट गिरा। सो काफ़ी सस्ते में और अच्छा काम हो गया। अभी टूरिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है और मैंने लगभग 50 किलोमीटर बाइक चलाया, मुझे इतना कंफर्ट लगाना, बहुत अच्छा सीट बना है। सो आप मुंबई में हो और आपको बनाना हो तो अंधेरी परफेक्ट सीट सेंटर में जाके वहाँ पे बना लो, काफ़ी मस्त है। सो ये बाइक निमेज की है और उसने ये खर्चा और ये मॉडिफिकेशन किए क्योंकि वो भी उदयपुर में मेरे साथ ज्वाइन होने वाला है। सो ये टूरिंग पर्पज़ के लिए उसने सब काम करवाया और मॉडिफिकेशन उसके बाद ही है। हम लोग अभी उदयपुर जाने वाले हैं, सो काफ़ी क्रेजी ब्लॉग वो बनने वाला है। सो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ, घूमते रहो मचाते रहो, पीस, बाय बाय। किसी ने भी 3 फॉलोअर करके मेरे वीडियो को कमेंट किया ना, मैं उसको लिटरली शाउट आउट दूंगा, ठीक है।